नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पीएम, पाक की जनता और पाक आर्मी, बड़ी अजीब चीज है। पाकिस्तान में कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। पाकिस्तान पर कब आर्मी कब्जा कर ले और कब लोकतंत्र की हत्या कर दे कोई नहीं बता सकता। पिछले एक साल से जब से प्रधानमंत्री इमरान खान बने तब से पाक जनता की तेल निकाल रहे और पाकिस्तान की जनता महंगाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और आतंकवाद से पीड़ित है। इसके साथ ही साथ जीडीपी की लगातार गिरती रफ्तार को रोकने के लिए इमरान खान कई देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन दूसरे देश कर्ज ही नहीं देना चाहते। इसके साथ ही साथ पिछले अगस्त से तो इमरान खान पाक जनता, पाक अर्थव्यवस्था और जनरल बाजवा की ऐसी की तैसी हो गई। 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर से 370 हटा दिया, फिर क्या था? इमरान खान और पाक आर्मी दोनों कह रहे थे कि भारत से युद्ध होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों की हेकड़ी बंद हो गई। उसके बाद मौलाना ने इमरान खान की सांसें फुला दी। कहा जा रहा था कि फौज इमरान खान का साथ देगी, लेकिन अंदर खाने से मौलाना को इस्लामाबाद में इमरान खान के विरुद्ध विरोध का समर्थन किया। उसके बाद से जो सबसे बड़ा भूचाल आया वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। इमरान सरकार और बाजवा की औकात बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति अवैध और इमरान खान सरकार की धज्जा उड़ा दी। इसी फैसले से जनरल बाजवा का जाना तय माना जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दया आ गई और सरकार को राहत देते हुए 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। राजनीतिक विश्लेषक, विदेशी मामलों के जानकार और पाक मीडिया सोच रही थी कि चलो थोड़ी राहत मिली, लेकिन आपको बताया ना, पाकिस्तान में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ठीक उसी हकीकत को दोहराते हुए पाक आर्मी से ही एक बड़ी खबर निकली, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के 7 जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के खिलाफ है और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में। इसी बात से बाजवा और 7 जनरलों के बीच लड़ाई ठनसी गई। जो जनरल बाजवा के सेवा विस्तार से नाराज हैं, उनके नाम हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम राजा, लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ, लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगान, लेफ्टिनेंट जनरल काजी इकराम और लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं ये सभी जनरल। सभी 7 जनरलों ने सीधे तौर पर बाजवा का विरोध नहीं किया, लेकिन सेवा विस्तार को लेकर नियमों में तोड़फोड़ करने का विरोध जरूर कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा इमरान खान सरकार के सेवा विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर रोक लगाने के फैसले के साथ खड़े हैं। इसे लेकर जनरल सत्तार की बाजवा से बहस भी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल सत्तार ने बाजवा पर आरोप लगाया कि बाजवा पाकिस्तानी सेना की छवि खराब कर रहे हैं। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाजवा रिटायर होते तो नियमों के मुताबिक अगले पाक आर्मी के चीफ जनरल सत्तार होते। यहाँ पर एक बात बताते चले कि जनरल सत्तार मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, इन्फेंट्री सियालकोट कमांडिंग ऑफिसर और भारत में डिफेंस अताशे की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। जनरल बाजवा जाते हैं या रहते हैं, या कुछ नया होता है पाकिस्तान में, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है।